दोस्तों, स्वर कोकिला लता जी का जीवन बेहद अभाव में बीता था। जब वह महज 13 साल की थी तब उनके सिर से पिता का साया भी हट गया था और फिर पूरी जिम्मेदारी लता जी पर आ गई थी। उस दिन के बाद विधवा माँ 3 बहनों और भाई के लिए काम की तलाश शुरू कर दी थी। उनकी आवाज बेहद सुरीली थी और फिर गायकी को ही जीवन का जरिया बनाया था। पहले गाने की शुरुआत मराठी फिल्म से की थी। इसके लिए उन्हें बेहद मामूली रकम मिली थी, लेकिन वह इसे पाकर बेहद खुश हुई थी। आखिर उनकी कमाई का पहला सफर था। लता की प्रतिभा की पहली पहचान संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर ने की थी और फिर उसके बाद तो संगीत में तहलका मचा दिया था। लता के लिए टर्निंग पॉइंट उस समय आया था जब 1948 का साल चल रहा था। मजबूर मूवी में एक गाना गया था, दिल मेरा तोड़ा। इसके बाद तो लता की किस्मत ही बदल गई थी। इस गीत से वह फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती बन गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने इसकी वजह भी बताई थी। उन्होंने कहा कि छोटी आयु में ही उन पर जिम्मेदारी आ पड़ी थी। उनके पास बहुत सारा काम था और उन्होंने विचार किया कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं भी मेरा घर परिवार बसाऊंगी। लेकिन फिर बहन की शादी हुई तो उन्हें भी उनके बच्चों को संभालना पड़ा था। एक समय ऐसा भी आया था जब उनकी मोहम्मद रफी से भी अनबन हो गई थी और करीब 4 साल तक ये सिलसिला चला था। मगर लता मंगेशकर के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया था जब उन्हें मारने का प्रयास किया गया था और वो समय था 1962 का। एक समय की बात है जब लता जी गायकी के क्षेत्र में धीमे धीमे अपने कदम बढ़ा रही थी, मगर उस समय कुछ ऐसे लोग भी थे उन्हें सब पसंद नहीं आ रहा था। फिर यूं कहें कि उन्हें काम ही नहीं मिल रहा था। तो फिर लता जी को एक धीमा जहर भी उन्होंने दे दिया था जब वह महज 32 साल की थी। मगर मीरा की तरह उस देवी को भी इसका कोई असर नहीं पड़ा था। हालांकि यह कभी पता नहीं चल पाया था कि उन्हें जहर किसने दिया था। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।